गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं हमने पहले वीडियो में लेसन 10 रीड किया था, पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस, लोग और उनके व्यवसाय, यानी हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं वो सभी अलग अलग काम करते हैं। फार्मर है, टीचर है, डॉक्टर है, स्वीपर, पोस्टमैन, कोबलर, बार्बर, मैशन, पुलिसमैन, इलेक्ट्रीशियन, लॉयर, सोल्जर। सो स्टूडेंट्स, हमने इन सब के बारे में पता किया था कि ये क्या क्या काम करते हैं। आज हम इस लेसन की BX करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ वी रीड द क्वेश्चन नंबर ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो सही ऑप्शन है उस पे हमें टिक लगाना है। नंबर फर्स्ट, अ फार्मर ग्रोज, एक फार्मर उगाता है क्या फूड ग्रेन्स। यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है, ए, बी और सी। सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी। अब हमने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है या सही का ऑप्शन है हमने चूज करना है। नंबर फर्स्ट था अ फार्मर ग्रोज, एक फार्मर उगाता है। नंबर ए है फूड ग्रेन्स अनाज। नंबर बी है स्टोन्स यानी पत्थर। नंबर सी है ग्रास या घास, क्या उगाता है। सो स्टूडेंट्स, इसका सही है फूड ग्रेन्स यानी अनाज। नंबर टू, अ सोल्जर डिफेंड्स आवर, एक सोल्जर हमें बचाता है किससे, हाउसेस, कंट्री, हिमसेल्फ। इसका आंसर है कंट्री, एक सोल्जर कंट्री को बचाता है। नंबर थ्री, अ बार्बर कट्स आवर, एक बार्बर कट करता है क्या क्रॉप्स, हेयर या नेल्स। इसका सही ऑप्शन है हेयर। नंबर फोर, अ डॉक्टर ट्रीट्स, एक डॉक्टर इलाज करता है। नंबर ए सिक पर्संस, जो बीमार हैं पर्सन, या हेल्दी पर्सन जो स्वस्थ हैं, या डेड पर्सन या जो मर चुके हैं। सो इसका सही आंसर है सिक पर्सन यानी जो बीमार लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, यानी जो वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं उनसे आप फिलअप्स कीजिए। नंबर फर्स्ट, हमारे यहाँ ऊपर येलो वाले बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, हाउसेस, थीव्स। नर्स होते हैं जो इलाज करते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली ठीक करते हैं, हाउसेस घर, थीव्स चोर। नंबर फर्स्ट, अ मैशन बिल्ड्स आवर, एक मैशन क्या बनाता है, बिल्ड्स बनाना, मैशन मिस्त्री, तो क्या बनाता है वो। इसका सही आंसर है हाउसेस, ये नंबर फर्स्ट पे आ गया आपका। हाउसेस की स्पेलिंग देखो, HOUSES, हाउसेस। आगे है नंबर टू, अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, एक पुलिसमैन किससे प्रोटेक्ट करता है हमारी या किससे रक्षा करते हैं हमारी, नर्स से, इलेक्ट्रीशियन से या थीव से। सो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है थीव्स। तो इस फिलअप्स में हम फिल कर देंगे थीव्स, THIEVES, थीव्स। आगे है नंबर थर्ड, अ डैश लुक्स आफ्टर द पेशेंट, कौन पेशेंट को कौन देखते हैं या जो मरीज होते हैं पेशेंट, मरीज को कौन देखता है, नर्स या इलेक्ट्रीशियन। नर्स, NURSE, नर्स। नंबर फोर, एन डैश रिपेयर्स आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस,
तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कौन रिपेयर करता है, कौन ठीक करता है? वन ही बचा स्टूडेंट्स, लास्ट बचा है इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स स्टेटमेंट। सही पर ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। सही पर सही का निशान, ट्रू टी का निशान लगाए, और फॉल्स पर या जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर एफ का निशान लगाए। नंबर फर्स्ट है, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स एंड पार्सल्स। एक पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लेके आता है और पार्सल्स लेके आता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, तो हम इस पे लिख देंगे टी। आगे स्टूडेंट्स, नंबर टू, अ बार्बर प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री। एक बार्बर कंट्री को प्रोटेक्ट करता है? नो, तो इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि बार्बर क्या करता है, हेयर कट करता है वो, सो फॉल्स आएगा। नंबर थ्री, अ लॉयर ग्रोज फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। अ लॉयर ग्रोज फूड ग्रेन्स, एक लॉयर हमारे लिए अनाज और फ्रूट्स उगाता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि लॉयर लॉ को समझाता है, न कि फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स फार्मर उगाता है, इसलिए फॉल्स। नंबर फोर, अ स्वीपर क्लीन्स आवर स्ट्रीट्स। स्वीपर स्ट्रीट्स को क्लीन रखता है, गलियों को साफ रखता है, यस, इसका ट्रू आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। मैच करने हैं, नंबर फर्स्ट है फार्मर, हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, फार्मर क्या करता है? नंबर ए पे है प्रोटेक्ट आवर कंट्री, नो। नंबर बी है ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यस। नंबर फर्स्ट को हम बी पे लेके जाएंगे, ग्रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आगे है नंबर टू, टीचर, नंबर फर्स्ट था प्रोटेक्ट आवर कंट्री, नंबर बी को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो फार्मर के लिए हो चुका है। नंबर सी है टीचर्स, यस, टीचर टीचर्स, तो हम नंबर सेकंड को सी पे लेके जाएंगे। नंबर थ्री है कोबलर, कोबलर के लिए अब ए ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा है, सो हम ए ऑप्शन को दोबारा रीड करेंगे, प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री, नो, मैंड्स आवर शूज, यस। नंबर थ्री को हम टी पे लेके जाएंगे, मैंड्स आवर शूज। नंबर फोर है सोल्जर, सोल्जर के लिए हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई, ये हमारे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के उत्तर दो। नंबर फर्स्ट है हु प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम थीव्स, आपको चोरों से कौन बचाता है? सो स्टूडेंट आंसर आएगा पुलिसमैन। कौन बचाता है? पुलिसमैन। आंसर आएगा पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स। क्वेश्चन नंबर टू, हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट। पेशेंट को कौन देखता है या मरीज को कौन देखता है? आंसर इज डॉक्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट। पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु मेंड्स योर शूज। आपके शूज कौन ठीक करता है या कौन बनाता है? आंसर इज कोबलर मेंड्स आवर शूज।
हमारे शूज कॉबलर बनाता है. क्वेश्चन नंबर 4, हु टीचेज यू इन स्कूल, आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है. आंसर इज टीचर टीचेज अस इन स्कूल, हमें स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, हु ग्रोज फूड ग्रेन्स फॉर यू, आपके लिए फूड ग्रेन्स यानी अनाज कौन उगाता है. आंसर इज फार्मर, फार्मर ग्रोज फूड ग्रेन्स फॉर अस, फार्मर हमारे लिए फूड ग्रेन्स या अनाज उगाते हैं. अब स्टूडेंट्स आगे है, लुक एट द पीपल इन द पिक्चर एंड राइट देयर ऑक्यूपेशंस. हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमने उन पिक्चर्स को देखना है और उनके बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं या उनका क्या व्यवसाय है. ऑक्यूपेशंस व्यवसाय, हमने लेसन रीड किया था अच्छे से, हमें पता भी है कौन क्या करता है, हमें पिक्चर देखते ही समझ आ रहा है. नंबर फर्स्ट पे क्या कर रहा है, ये पढ़ा रहा है, तो कौन होएगा, टीचर, दिस इज अ टीचर. नंबर सेकंड पिक्चर है हमारे स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है वो, शू ठीक कर रहा है, तो वो शू बना रहा है, तो हम इसके लिखेंगे नीचे कोबलर. शू कौन बनाता है, कोबलर. नंबर 3 है, पता चल रहा है स्टूडेंट्स, पिक्चर दिख रही है हमें, फसल काट रहा है वो, तो हम इसके नीचे लिखेंगे फार्मर. नंबर 4 पे हेयर कट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बार्बर. आगे स्टूडेंट्स, सपोज यू बिकेम ए पुलिसमैन इन फ्यूचर, आप सपोज करो या कल्पना करो कि आप फ्यूचर में एक पुलिसमैन बन चुके हो, व्हाट विल यू डू. सपोज यू बिकम ए पुलिसमैन इन फ्यूचर, आप सपोज करो, कल्पना करो कि आप फ्यूचर में एक पुलिसमैन बन चुके हो या भविष्य में पुलिसमैन बन चुके हो, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाओ. आई विल टेक ब्राइब, ब्राइब होता है स्टूडेंट रिश्वत, आई विल टेक ब्राइब, मैं रिश्वत लूंगा. नो, सो स्टूडेंट इस पे हम क्रॉस डालेंगे, नो. आई विल, नंबर बी, आई विल अरेस्ट क्रिमिनल्स, मैं क्रिमिनल्स को यानी जो गुनहगार हैं उनको अरेस्ट करूंगा, यस. नंबर सी, आई विल हेल्प द रिच, मैं अमीर लोगों की हेल्प करूंगा, नो. आई विल अरेस्ट द पुअर, मैं गरीब लोगों को अरेस्ट करूंगा, नो. सो स्टूडेंट इसका सही आंसर आ गया हमारा, आई विल अरेस्ट क्रिमिनल्स, या मैं गुनहगारों को अरेस्ट करूंगा या सजा दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन 10 कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको इसको अच्छे से रीड करना है, लेसन को समझना है, बीएक्स अच्छे से रीड करनी है, क्वेश्चन आंसर को समझना है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मैम के पास क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मैम को मैसेज कर सकते हो, तो आपको लेसन अच्छे से समझना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.